नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा और आपको बताऊंगी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो अब बिना देर किए करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। फेस्टिव सीजन में लोन लेकर शॉपिंग करना महंगा होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चुनिंदा अवधि के लिए MCLR को बढ़ा दिया है। बैंक ने एक साल वाली MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। एक साल वाली MCLR की दर 8.60 से बढ़कर 8.70% हो गई है। एक साल वाली MCLR की नई दर 11 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है। MCLR बढ़ने से अब अधिकतम उपभोक्ता ऋणों पर ब्याज दर बढ़ जाएगी। इससे पहले बैंक ने FD की ब्याज दरों में 1.25% तक की बढ़ोतरी की थी। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक कुछ समय तक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 14 अक्टूबर की रात में कई घंटों तक SBI की इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद रहेगी। इस दौरान बैंक के ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। SBI ने कहा है कि नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए कुछ समय तक इंटरनेट बैंकिंग की सेवा को बंद कर रखा जाएगा। इस दौरान SBI के ग्राहक व्हाट्सएप बैंकिंग और मिस्ड कॉल सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना गारंटी वाला कर्ज बांटना बैंकों को भारी पड़ रहा है। अमेरिका की ब्रोकिंग फर्म UBS का कहना है कि भारतीय बैंकों के असुरक्षित खुदरा ऋणों के NPA होने का जोखिम बढ़ रहा है। महामारी से उत्पन्न तनाव कम होने के बाद लोग अधिक कर्ज ले रहे हैं। बैंक भी अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन बांट रहे हैं। UBS का कहना है कि जून 2023 तक SBI के कुल ऋण में असुरक्षित ऋण की हिस्सेदारी बढ़कर 11.1% हो गई है। एक्सिस बैंक के कुल ऋण में असुरक्षित ऋण का हिस्सा 10.7% है। भारतीय रिजर्व बैंक भी असुरक्षित खुदरा ऋण के बढ़ते जोखिम से चिंतित है, इसलिए इस क्षेत्र की बारीकी से निगरानी की जा रही है। भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरकार सिर्फ अब इनके आयात की निगरानी करेगी। इससे पहले सरकार ने घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात घटाने के लिए अगस्त में लैपटॉप, कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश के बाद IT हार्डवेयर उद्योग ने चिंता जताई थी। अब DGFT ने कहा है कि आयात प्रबंधन प्रणाली 1 नवम्बर से लागू होगी। इसके तहत कंपनियों को आयात के लिए मंजूरी लेनी होगी। फ्रेशर्स के लिए आने वाला है नौकरियों का अकाल, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस ने नई भर्तियों के लिए कॉलेज रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग की वजह से दुनिया भर में IT सेक्टर में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। इसका असर अब भारत पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल इंफोसिस ने 50,000 युवाओं की नौकरी की थी, लेकिन इस साल कंपनी ने फिलहाल नई भर्तियां करने से इनकार कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार उतार चढ़ाव भरे कारोबार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 125 अंक गिरकर 66,282 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी 43 अंक गिरकर 19,751 अंक पर बंद हुआ। IT क्षेत्र के कमजोर अनुमान और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहने से भी बाजार पर नकारात्मक असर डाला है। पेटीएम पेमेंट बैंक KYC नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों के खाते खोल रहा है। इस बात पर RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने नियमों का पालन नहीं करने पर पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने अपनी जांच में पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक भुगतान लेन देन की निगरानी नहीं कर रहा। RBI ने यह भी पाया है कि भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम का धारणा भी पेटीएम पेमेंट बैंक ने नहीं किया है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों सहित कुछ नॉन NRI श्रेणियों को 5 साल के लिए रोजगार कार्ड देने की घोषणा की है। इस कदम से अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों को फायदा होगा। USCIS ने कहा है कि वह एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट की अधिकतम वैधता अवधि को 5 साल तक बढ़ा रहा है। सोना चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोना 59,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ही स्थिर रहा। वही चांदी की कीमत भी 73,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर जस की तस बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में सोना तेजी के साथ $1,882 प्रति ओंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत $22.17 प्रति ओंस पर बनी रही।
भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित एफटीए के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों देश बाकी बचे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको बता दें कि बातचीत का 13वां दौर अभी जारी है। दोनों देशों को इस महीने वार्ता खत्म होने की उम्मीद है और इस महीने के अंतिम सप्ताह में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। बातचीत के ज्यादातर चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी बचे मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। अब चलिए देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। ब्यूटी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बिक्री करने वाली वुमेन कार्ट लिमिटेड का आईपीओ 16 अक्टूबर को खुलेगा। निवेशक 18 अक्टूबर तक शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। ये एक एसएमई कंपनी है। इसमें इसके लिए शेयरों की लिस्टिंग एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी ई कॉमर्स के माध्यम से ब्यूटी प्रोडक्ट की बिक्री करती है। इसका दिल्ली में एक आउटलेट भी है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का राजस्व 8.75 करोड़ रुपये था। कंपनी का शुद्ध लाभ 47 लाख रुपये था। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी नाइन के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।